हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज हम बना रहे हैं आलू और पत्ता गोभी का सब्ज़ी, यानी कि केबेज एंड पोटेटो वेजिटेबल। स्टार्ट कर रहे हैं हम रेसिपी को। यहाँ मैंने 3 स्पून जो है कुकिंग ऑयल ले लिया था फ्राइंग पैन में। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा मस्टर्ड यानी कि राई, और इसे मस्टर्ड होने देते हैं। और इसी वक्त मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 स्पून जीरा, इसे भी अच्छे से हम तड़का लेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक 3-4 क्लोव था, इसे मैंने छोटा छोटा चॉप किया है। इसे हमें करना है लाइट गोल्डन ब्राउन। और ये है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मैंने लिया है यहाँ पे 3 ग्रीन चिली है, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। आज हम इसमें एक छोटा सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो आप सभी जानते हैं कि वो क्या है, बट उसे सीक्रेट तरीके से डालने वाले हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो गार्लिक जो है हमारा वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड कर रहे हैं। 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर को आप कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। ये है हल्दी पाउडर 1/2 स्पून। और अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है ये धनिया पाउडर, धनिया पत्ता यानी कि करियंडर लीव्स। वैसे हम सभी कुकिंग के बाद में लास्ट में धनिया पत्ता ऐड करते हैं। एक बार इस तरह से आप ट्राई करें, इस तरह से इस रेसिपी को बनाएं, कोई सी भी रेसिपी जिसमें भी आप कुकिंग कर रहे हैं, धनिया पत्ता को इस तरह से डालें, उसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा। और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ 1 बड़ा आलू यानी पोटैटो। और 2 मिनट हम इस पोटैटो को इसी के अंदर, मसाले के अंदर कुक करने वाले हैं। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएगा और थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 2 मिनट हो चुका है, और 2 मिनट कुक करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हमारा केबेज यानी पत्ता गोभी। इसे मैंने स्क्वायर में कट किया था, आप जैसे चाहें वैसे कट करें, आपको पसंद आता है श्रेडेड तो वैसे कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट थोड़ा सा इस पर टेस्ट, और अच्छे से मिला लेंगे। आज मैं ये जो केबेज है उसे बिल्कुल स्लो पर कुक करने वाली हूँ। स्लो कुकिंग का जो मज़ा होता है, जो खाने में जो टेस्ट आता है, वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है जो आप नॉर्मली हाई फ्लेम पर कुक करते हैं उस खाने से। अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हाई फ्लेम पर कुक करें, पर मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कुक करने वाली हूँ, लो फ्लेम पर। और इसे हम कुक करेंगे ढक कर के। इसे टाइम लगेगा 20 से 25 मिनट, और अगर आप हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो 10 से 15 मिनट में कुक हो जाएगा। तो इसे मिक्स करके मैं इसे ढक करके कुक करूँगी। तो यहाँ देखिए हमारा केबेज बिल्कुल मिक्स हो चुका है, और अब मैं इसे ढक करके कुक करती हूँ 5 मिनट। उसके बाद हर 5 मिनट में हम इसे चेक करेंगे और हिलाएंगे, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। और 5 मिनट हो चुका है, 5 मिनट के बाद यहाँ देखें केबेज जो है उसमें से अरोमा बड़ा अच्छा आ रहा है। और मैं इसे एक बार स्टिर करके फिर से ढक करके कुक करूँगी, और गैस जो हमारा है वो बिल्कुल सिम है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोई भी नया वीडियो जो अपलोड हो, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए घंटी का बटन है, उसे एक बार प्रेस कर लेंगे तो नेक्स्ट में जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगा। मैं सब्ज़ी को हर 5 मिनट में ढक्कन खोल के चला रही हूँ ताकि ये नीचे से जले नहीं। और यहाँ देखें हमारी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और इसे कुक किया है मैंने 25 मिनट बिल्कुल स्लो पर, और बहुत ही अमेजिंग सा इसमें से अरोमा आ रहा है। इसे मैं गरम गरम चपाती के साथ मैं सर्व करने वाली हूँ। आप चाहें पराठा, पूरी या चपाती किसके भी साथ सर्व करें, सभी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए गैस मैंने बंद कर दिया है, और अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक सर्विंग बाउल में। तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, एंजॉय करें पत्ता गोभी और आलू का सब्ज़ी यानी केबेज और पोटैटो वेजिटेबल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्टेड।